वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हेल्दी ग्रेनोला बाइट्स। लेट्स स्टार्ट। कढ़ाई में मैंने 1 कप ओट्स डाला है। ये सिंपल ओट्स है, क्वेकर का जो आता है वो। इसको ड्राई रोस्ट करना है। मेरा कप का मेजरिंग 200 ml का है। इसको हम स्लो गैस पर 10 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हिलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ओट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं। ये खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और हमारा वजन भी कम होता है। ओट्स खाने से हमको जल्दी भूख भी नहीं लगती। ये जो एनर्जी बाइट्स मैं सिखा रही हूँ, आप नाश्ते में एक खा लो तो जल्दी भूख नहीं लगती। बच्चों को आप टिफिन में भी एक दे सकते हो। इसको भूनते हुए मुझे 10 मिनट हुआ है स्लो गैस पर। इसको गैस बंद कर दो, अब बाहर निकाल देंगे। इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये 1/4 कप कोकोनट है ग्रेटेड, उसमें से थोड़ा कोकोनट और इसमें से 1/4 कप लेके मैं ग्राइंड करूंगी। इसमें से 1 टेबल स्पून, बाकी का मैं यहां रख रही हूं, और 1/4 कप ये वाला ओट्स। दोनों को मिक्सर में मैं पाउडर बना रही हूं। इसको मैंने पीस लिया है, यहां निकाल लेती हूं। सेम कढ़ाई में मैंने 1/2 टीस्पून घी लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून चॉप बादाम, 1 टेबल स्पून चॉप काजू, 1 टीस्पून पम्पकिन सीड्स, 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स, 1 टीस्पून मगज, 1 टीस्पून व्हाइट तिल। इसको 40 से 50 सेकंड तक ही बस उसको भूनना है। आपके घर में जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। जैसे आपके पास सिर्फ काजू बादाम पिस्ता है तो आप वो भी डाल सकते हो। इसको मैं यहां निकाल लेती हूं। सेम कढ़ाई में 2.5 टेबल स्पून पानी डालेंगे। हाफ मेजरिंग कप गुड़ है काटा हुआ। मेल्ट करना है गुड़ को। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। तो गुड मेल्ट हो गया है और व्हाइट व्हाइट भी दिख रहा है ऊपर। स्टेज पर गैस बंद कर देंगे। और इसमें 2 खजूर ली है मैंने, ब्लैक वाली सीड्स निकाल के काट ली है, वो डाल दो। इसमें ये सब पूरा डाल दो। कोकोनट है, क्रैनबेरी 1 टीस्पून। सब अच्छे से मिक्स कर दो।
इसको बाहर निकाल लेती हूँ। हाथ में थोड़ा सा घी लगाया है और उसको गरम गरम में ही लड्डू बनाना चाहिए। ये देखो, इसे दबा दबा के लड्डू बनाते हैं। ठंडा हो जाएगा फिर लड्डू नहीं बनेगा। इसे ही मैं ये सब लड्डू बना देती हूँ। तो बनके तैयार है हेल्दी ग्रेनोला बाइट्स। रेसिपी को जरूर ट्राई करना और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।